सभी संबंधित किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मेरा नाम है पंकज तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज की किसान पाठशाला। किसान भाइयों, अभी इस समय धान का सीजन चल रहा है और भारत देश में सभी किसान भाई लगभग धान की खेती करते हैं और बहुत छोटी छोटी जानकारियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से बिना आप पैसा खर्च किए भी अपने खेत में अच्छी उपज ले सकते हैं। और पंकज के किसान पाठशाला का मेन उद्देश्य किसान भाइयों यही है कि हम आपकी लागत को कम करें और आपकी उपज को बढ़ाएं जिससे आपका फायदा ज्यादा हो। किसान भाइयों, ये जो जानकारी आज हम दे रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जो किसान भाई पहली बार चैनल पे आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि जानकारी अच्छी लगे तो अपने किसान दोस्तों को शेयर भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आपके खेत में नर्सरी के बाद जब रोपाई करने जाते हैं तो उस समय जो पौधे की संख्या होती है वो मेंटेन करना बेहद जरूरी होता है। अगर पौधे की संख्या जो है वो मेंटेन नहीं है और पौधे आपके खेत में जितने लगने चाहिए उतने पौधे आपके खेत में नहीं लगते हैं तो आपकी उपज जो है वो घट जाती है। तो उसके लिए क्या करना है किसान भाइयों, उसके लिए ये करना है कि जब आपके खेत में रोपाई हो रही हो उस समय आपको अपने खेत में खड़े होकर पौधों की संख्या पर विशेष ध्यान देना है। पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर और लाइन से जो लाइन की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर पर आपके खेत में यदि पौधे लगते हैं तो किसान भाइयों एक वर्ग मीटर में 33 पौधे लगेंगे। अगर 33 पौधे आपके प्रति वर्ग मीटर खेत में लग जाते हैं तो आपके खेत में 20-25% पैदावार किसान भाइयों ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी बिना किसी खर्च के। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा और भी आगे ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचती रहेंगी। किसान भाइयों, पंकज की किसान पाठशाला किसानों को छोटी छोटी जानकारियां देकर कम खर्चे में ज़्यादा उपज के लिए जाना माना चैनल है, इसलिए आप चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। इजाज़त चाहते हैं आपसे, फिर मिलेंगे जल्द ही। बाय बाय।